हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, उससे पहले प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ में वीडियोस को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और टेस्ट जो है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो प्लीज दीजिए, जितना अगर आप एग्जाम देंगे उतने ही फंडे आपके ज्यादा क्लियर होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जब इसमें बात करते हैं तो आपको मालूम है कि प्लांट्स के अंदर किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए, प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके थ्रू जो है हम ये बोल रहे हैं वाटर जो है और उसी के साथ में फूड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। वाटर जो है वो रूट से हम ये बोलते हैं कि अपर जो पार्ट है प्लांट्स के वहां तक उनका फ्लो रहता है, यानी कि वाटर रूट से अपर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं। वाटर के साथ साथ में वाटर में डिजॉल्व कंडीशन में प्रेजेंट मिनरल्स हैं या फिर गैसेस हैं, हम ये बोल रहे हैं कि उन सब का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी क्या होता है, इसी डायरेक्शन में होता है अलोंग विद द वाटर, ठीक है। फूड जो है वो बनता है लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर बनता है, और वहीं से फिर वो जितने भी स्टोरेज पार्ट है या फिर जहां पर भी उनकी नीड रहती है, जो सिंक एरिया है वहां पर क्या होता है, वो जितना भी फूड है वो ट्रांसलोकेट होता है। तो देखिए, दो कंडीशन आ गई कि वाटर जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा रूट से अपर पार्ट की तरफ रहता है, ठीक है। जबकि फूड जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि फूड जो है वो जहां बनता है वहां से वो हम ये बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट होता है, और सिंक स्टोरेज पार्ट जो है वहां पर वो हम ये बोलते हैं कि वहां तक उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी के अलावा जो रिक्वायर्ड पार्ट्स है, चाहे वो फ्लावर है, फ्रूट्स है, या फिर हम ये बोल रहे हैं स्टेम है, रूट है, उन डायरेक्शन के अंदर फिर उनका क्या होता है, फ्लो होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल जो है वो मूवमेंट रहता है किसका, फूड का। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका, वाटर का। जबकि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका, फूड का, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, आप लोगों को मालूम है इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं यहीं से, एक पिक्चर आप लोगों के माइंड में क्रिएट हो गई होगी। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम, टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं इनके बारे में क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का एंड फूड का, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। चलिए, ट्रांसलोकेशन, अब इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जो इसमें जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उसी के साथ उसमें प्रेजेंट मिनरल्स जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आप जानते हैं मिनरल्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अभी कल ही डिस्कस किया है, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या है, जो प्लांट की बॉडी है उसके लिए हम ये बोलते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ की लेसर क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सभी एलिमेंट्स जो है वो भी वाटर के थ्रू ही क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, वाटर के साथ साथ, सॉरी नॉट थ्रू, वाटर के साथ साथ जो है उनका भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए, तो ये जो मूवमेंट है जो जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से स्टेम पे होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक यानी कि फूड जो है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। तो बाई डायरेक्शनल से समझ जाइए, स्टोरेज एरिया में जा रहे हैं, एंड देन हम ये बोल रहे हैं कि जो भी जितने भी प्लांट जहां पे भी ग्रोइंग एरियाज होते हैं वहां पर भी जो है इनका फूड की जो है सप्लाई होती है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो रहता है फूड का, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में देखिए, हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरएस जो है और अदर केमिकल्स स्टिमुलीज जो है उन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत ही हम ये बोल रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वैसे भी जब भी इन केमिकल्स की बारे में बात करते हैं तो आपको मालूम भी होगा कि हॉर्मोन्स जो है बहुत कम क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, बट वो उसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि उनका जो मूवमेंट है वो भी कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये हम बोल रहे हैं कि जहां पे ये सिंथेसाइज्ड होते हैं वहां से जिस एरिया में इनकी रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया में जाते हैं। तो डायरेक्शन तो क्या हो गई, यूनिडायरेक्शनल हुआ कि नहीं हुआ, मान लीजिए कि ये वो एरिया है, पार्ट है जहां पर ये सिंथेसाइज्ड हुए एंड इनको मूवमेंट करना है जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इनका मूवमेंट भी क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, किनका, हॉर्मोन्स का, अनदर केमिकल स्टिमुलीज का। चलिए, अभी देखिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
ठीक है, वाटर का, फूड का, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेल्स जो है उस सेल्स के थ्रू ही इनको क्या होना होगा, आगे की ओर बढ़ना होगा, यानी कि सेल टू सेल अगर ये मूव कर रही हैं तो इनको क्रॉस क्या करना पड़ता है, उनको सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्रॉस करके साइटोप्लाज्म, और प्लांट सेल वॉल है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, स्टोरेज हम बोलते हैं कि ऑर्गेनेल है, जहां पर क्या होता है, स्टोर होता है। तो उसकी जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रॉस करना पड़ रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, किस तरीके का हो सकता है ये ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसा हो सकता है, पहला तो जो है ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है क्या होती है, पहली आ गई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से समझते हैं कि क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई भी, हम ये बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी, किसी भी एटीपी को यानी कि एनर्जी को यूज नहीं करते हुए, केवल अपनी बोल रहे हैं कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। फॉर द एग्जांपल समझिए आप, जैसे कि अगर आपके घर में सिलेंडर है तो सिलेंडर का अगर आपने नॉब बाय चांस खुला रह गया तो आप देखेंगे कि किचन एरिया जो है वहां पर धीरे धीरे वो क्या होती है, गैस जो है वो फैलने लगती है, क्योंकि उसकी हायर कंसेंट्रेशन से मतलब मात्रा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कहां है, सिलेंडर के अंदर ज्यादा है। जैसे ही उसका ढक्कन खुला रहा तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर की तरफ स्प्रेड होना शुरू किया, यानी मॉलिक्यूल ने मूवमेंट किया कहां, आउटर एनवायरनमेंट में। आउटर एनवायरनमेंट जो किचन का एनवायरनमेंट है वहां पे कंसेंट्रेशन उसकी क्या है, लो है, तो वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आया। धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में आपको रूम के अंदर भी स्मेल आने लगती है, तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अब वो किचन जहां पर उसकी हायर कंसेंट्रेशन है, बट रूम जहां पर उसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव किया, एंड देन वो रूम की तरफ क्या हुए, उसके मॉलिक्यूल्स बढ़े, एंड देन जब वो हमें उसकी स्मेल आने लगी तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, सिलेंडर जो है उसका ढक्कन जो है वो खुला रह गया है, यानी कि गैस स्टोव आप मान लीजिए कि वो आपका क्या रह गया, स्विच उसका ऑन रह गया, इसी वजह से भी आपको स्मेल आई। तो वहां पे जो ये गैस जो है वो उस रूम तक पहुंची है, सिलेंडर से लेकर रूम तक, वो क्या हुआ है, उस गैस का डिफ्यूजन हुआ है, वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव की है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है उनका भी मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये मूवमेंट कैसा होता है, पैसिव मूवमेंट होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ये वही वन पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम वन टू द अदर और फ्रॉम द सेल टू सेल ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये मूवमेंट जो है वो कहां से होता है, या तो सेल के अंदर ही हो रहा है कि सेल के आउटर एनवायरमेंट से सेल के अंदर आया, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में हम इसको कंपेरिजन के तरफ ले सकते हैं, या फिर हम किसी पार्ट से ले सकते हैं कि रूट से उसने स्टेम के अंदर जो है वो मूव किया, यानी कि ये जो फ्लो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि अगर ये सेल है तो सेल का आउटर और इनर एनवायरमेंट तब भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हुआ, और सेल टू सेल भी हम ये चीज मेजर कर सकते हैं कि सेल्स जो है यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है उसकी और यहाँ लोअर, तो देन हायर टू लोअर किया, या फिर शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में कोई पार्ट है, यानी रूट से लेकर उनका डिफ्यूजन जो है वो स्टेम पार्ट तक हुआ, तो ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस पे होने वाला मूवमेंट है। अभी देखिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला है, पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। और हम बोल रहे हैं कि गैसियस मूवमेंट जो होता है वही क्या होता है, सिंपल, उसी के थ्रू गैसेस जो होती है उनका ही मूवमेंट क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारे अंदर भी सेम कंडीशन होती है, ठीक है ना, वहां पर भी गैसेस का मूवमेंट इसी तरीके से हो रहा है। दूसरा आ जाता है फैसिलिएट डिफ्यूजन। फैसिलिटी डिफ्यूजन जो है यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड रहती है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि यहां पर क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ये प्रोटीन्स जो है हम ये बोल रहे हैं कि चैनल क्रिएट करती है या फिर कैरियर की तरह बिहेव करती है। ये प्रोटीन क्या करती है, कैरियर की तरह बिहेव करेगी तो क्या हो गया, एक तरह का ऑटो रिक्शा हो गया, जो क्या करता है कि आपके घर से आपको उठाया और उसने आपको कॉलेज या स्कूल जाके ड्रॉप कर दिया, तो वो उस तरीके से क्या हो गया, आपको फैसिलिटी प्रोवाइडेड होगी किसकी, ऑटो रिक्शा की, जिसने आपको आपके घर से लेकर कॉलेज तक क्या है, ड्रॉप किया। तो सेम वैसे ही कंडीशन है यहां पर भी,
फैसिलिएट डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होती है वो क्या करती है, आपके हम ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जो है लेके जाती है, ठीक है। बट ये जो मूवमेंट होगा वो भी कैसा होगा, वो उनके कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया उसकी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा हायर टू लो की तरफ ही होता है, यानी जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा है वहां से मूवमेंट शुरू होगा, जहां क्वांटिटी कम होगी वहां पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन हो रहा है बट फैसिलिट है, यानी प्रोटीन ये काम कर रही है, अपने आप से नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन यहां पर क्या कर रही है, कैरियर का काम कर रही है, उसको लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट उनका करवा रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल, तो जो प्रोटीन है जो चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के ही अनुरूप ही काम करती है, तो उसको हमने क्या बोला, फैसिलिट डिफ्यूजन बोला है, ठीक है। यहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, और प्रोटीन जो है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हर किसी मॉलिक्यूल को उठा के, क्योंकि बहुत सारे जो है किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अगर रूट की भी अगर आप बात करोगे तो वहां वाटर है, बट वाटर में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सोल्यूट भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पार्टिकल को फिर वो क्या कर रही है, फैसिलिट डिफ्यूजन प्रोवाइड कर रही है, ऐसा नहीं होता है। केवल सेलेक्टेड जो है, सेलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के लिए वो ये फैसिलिटी देती है, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल कि कभी ऐसा होता है ना कि आपकी क्लास के अंदर भी दो बच्चे होते हैं, एक ज्यादा पढ़ने वाला होता है, एक कम पढ़ने वाला होता है, तो ज्यादा पढ़ने वाला होता है उसको टीचर थोड़ी फैसिलिटी दे देती है कि वो क्लास के बीच के अंदर थोड़ा बहुत बोल के इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन जो कम पढ़ने वाला होता है ना तो उसको बिल्कुल भी इंटरप्शन उसका सहन ही नहीं करती, कोई हिटलर टाइप की अगर कोई टीचर हो तो ये क्या हो गया, एक तरह की फैसिलिटी हो गई, राइट, उसको कुछ कुछ बीच में बोलने की। तो वैसे ही सेम कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो गई, सेलेक्टेबल हो गई वो मेम्ब्रेन के प्रोटीन, जो उनको क्या करती है, केवल उन्हीं का फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवाती है जो उसने सेलेक्ट की है, ठीक है। तो भाई स्पेसिफिक है, अलाउ करती है केवल कुछ ही सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही, उसको हम बोलेंगे क्या, फैसिलिएट डिफ्यूजन। अभी देखिए ये फैसिलिएट डिफ्यूजन जिस प्रोटीन के थ्रू हो रहा है वो प्रोटीन के टाइप है हमारे पास में पोरिन एंड एक्वापोरिन। पोरिन जो है ये प्रोटीन एक्चुअल में हम ये बोल रहे हैं कि खूब बड़े पोर क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पोरिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये पोर क्रिएट कर देने वाली हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रेजेंट होती है, उसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल जो है उसमें भी पोरिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो पोरिन प्रोटीन के थ्रू जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है, ठीक है ना, फैसिलिएट मूवमेंट जो है उनका भी करवाती है। तो वही जो इस प्रोटीन से थोड़े छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे उन स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो मूवमेंट करवा देती है। एक्वापोरिन जो है ये भी वही है, सेलेक्टिवली फैसिलिएट डिफ्यूजन है, बट ये किसका करवाती है, वाटर का करवाती है, पानी का। एक्वा वर्ड आ गया ना, वहीं से समझ जाइए, जल के लिए, ठीक है। तो एक्वापोरिन वाटर का फैसिलिएट डिफ्यूजन करवाएंगे। चलिए इसी के साथ में ये जो डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन जो हो रहा है ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब ये क्या है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, तो देखिए यूनिपोर्ट हम किसको बोलते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया डायग्राम है, ये वही कैरियर प्रोटीन है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यूनिपोर्ट हम किसको बोलते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल अकेला ही उस प्रोटीन से अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट, ठीक है। एंटीपोर्ट किसको बोलते हैं, जब दो मॉलिक्यूल एक साथ साथ में मूवमेंट कर रहे हैं अपनी हायर टू लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट यहां पर कंडीशन क्या होगी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो अगर बाहर से, ये मान लीजिए कि आउटर एनवायरनमेंट है मेम्ब्रेन का और ये है इनर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो आउटर टू इनर मूव कर रहा है जबकि दूसरा जो है इनर टू आउट बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब हुआ हमेशा ये भी प्रोटीन जो है तभी काम करेगी जब दो मॉलिक्यूल एक साथ साथ में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, बट यहां पर दोनों ही मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने वही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि आउटर टू इनर और इनर टू आउट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार से हो सकता है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट तरीके से पैसिवली डिफ्यूजन। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, यानी कि वो हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन्स जो इस तरह का मूवमेंट करवाती है, जैसे कि ग्लूट वन यूनिपोर्ट, ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्टर्स ये सिम्पोर्ट करवाती है। सिम्पोर्ट का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज एंड सोडियम जो है
वो एक ही डायरेक्शन में एक साथ साथ में क्या करते हैं, मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। और एंटीपोड हो गया सोडियम एंड कैल्शियम, यानी सोडियम एंड कैल्शियम भी एक साथ ही मूवमेंट करते हैं, बट दोनों उल्टी डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेंगे। तो भाई यहां पर सोडियम एंड कैल्शियम जो है ये एंटीपोड का एग्जाम्पल हो गया आपके पास में। चलिए तीसरा टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव वर्ड आते ही समझ जाइए कि एक्टिव का मतलब ये होता है कि जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि यहाँ पे ये एटीपी जो है उसको यूज करते हैं। अब एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, जब ये किसी भी ऐसी चीज को करेंगे जिसमें उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। मेहनत का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि मैंने अपने से ज्यादा वजन का मैंने क्या किया है, एक पिलर, या फिर आप मान लीजिए कोई भी बेड मान लीजिए, चलिए आपके घर में पड़े हुए बेड जो होते हैं उनका वजन आपसे ज्यादा होता है, बट मैं कोशिश क्या कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा घिसका दूं, बट उसका वेट मेरे वेट से क्या है, ज्यादा है। अब उसका वेट ज्यादा है बट मेरा वेट कम है, और मैं क्या कर रही हूँ, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वेट का उसके उल्टा काम कर रही हूँ, क्योंकि वो ज्यादा वेट का तो हो सकता है मे बी मुझे हल्का सा भी धक्का लगे, अगर वो मूवेबल होता और वो धक्का लगा सकता तो हो सकता है मुझे हल्का सा धक्का देते तो मैं पीछे की तरफ घिसक जाती, क्योंकि वो उसका वेट ज्यादा है और मेरा वेट कम है। बट यहाँ पे मेरा वेट कम होते हुए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने के लिए मैं उसको धक्का लगा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हूँ। तो वही सेम चीज है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ है, यानी कि जो हम ये बोल रहे हैं कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का मैं बात कर रही हूँ, कि वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसके उल्टा काम करे, यानी अपनी जो लो कंसंट्रेशन है उससे वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वो उस कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है, राइट। तो मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर, अगर इमेजिन करना है आपको कि सेल है, सेल के अंदर की साइड में जो है वाटर ज्यादा है और बाहर कम है, फिर भी वाटर क्या कहेगी, भाई हमें तो अंदर ही जाना है क्योंकि वो भी चला गया तो मैं भी अंदर जाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया। इस कंडीशन में उसको क्या चाहिएगी, एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उसको बहुत धक्का मुक्की माथा पच्ची करके ही क्या होना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा ना। ये इमेजिन करने वाली चीज है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बात कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में ही रहे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है यहां पर भी प्रोटीन जो है वो ये काम करेगी, लेकिन एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम का मतलब हो गया वही सेल है, सेल ही एक सिस्टम है जहां पर क्या हो रहा है, वाटर का, सोल्यूट का, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है आउटर टू इनर और सेल टू सेल, और हम ये बोल देते हैं किसी बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, है ना, ये मूवमेंट अगर हो रहा है प्लांट के अंदर। तो आप अगर देखेंगे इस कंडीशन के अंदर, तो कोई सेल जो सिस्टम है, सेल सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे, तो हम कब बोलेंगे कि मैक्सिमम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तब आपको पता चलेगा जब जितनी भी सेल जो है उसकी जितनी भी प्रोटीन है जो ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है, फैसिलिटेटेड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है, वो सारी की सारी सैचुरेटेड हो, यानी सारी की सारी बिजी हो काम करने, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अपने मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो सभी के सभी सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब सभी की सभी क्या कर रही है, काम में लगी हुई है, सभी क्या करवा रही है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है मॉलिक्यूल का, तब हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये सिस्टम जो है ये मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये भी हमें पता चल जाती है जब सैचुरेशन हमें मिलता है प्रोटीन का। तो इस तरीके से तीन तरह के हम ये बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। चलिए ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में क्लियर हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। फैक्टर जो डिफ्यूजन रेट को इफेक्ट डालते हैं, एक तो ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये इफेक्ट डालता है, बिल्कुल डालेगा। कैसे डालेगा भाई, कंसंट्रेशन से मतलब हो गया क्वांटिटी, है ना। आप मान लीजिए तो ये दो सेल है, मैं मान लेती हूँ ये दो सेल है, ये है ए और ये है बी। मैंने बोला कि इस सेल के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और इधर वाटर मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, हाई है, और यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ। ग्रेडियंट का मतलब हो गया डिफरेंस, है ना, डिफरेंस, आसान शब्दों में समझिए तो डिफरेंस डेवलप हो गया।
कि किसी का किसी के रेस्पेक्ट में, अभी हमें क्वांटिटी तो मालूम नहीं है ना, अभी क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी ग्रेडियंट समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ कि हम किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, कि या तो जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपके पास भी पैसे हैं और मेरे पास भी पैसे हैं, मैं सिंपल एग्जाम्पल है पहले भी दिया है अभी वापस दे रही हूँ, आपके पास भी पैसे हैं मेरे पास भी पैसे हैं, हम दोनों के पास कितने पैसे हैं ये किसी को भी पता नहीं है, ठीक है ना, कितने पैसे हैं हमें दोनों में से किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हमें एक अंदाजा लगाते हुए अगर हम देखें तो हम बताना चाहेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब रेस्पेक्ट में बात यूं हो सकती है कि या तो क्या होगा, आपके पास में मेरे से ज्यादा रुपए होंगे या फिर मेरे से कम होंगे, तो रेस्पेक्ट ये मान लेते हैं कि आपके पास में मेरे से कम रुपए हैं, ठीक है, आपके पास में मेरे से कम रुपए है का मतलब क्या हो गया कि मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास 100 रुपए, यानी कि आपको मैंने बोला है कि आपके पास में मेरे से 100 कम है, राइट, तो आपके पास में 100 कम है, तो ये डिफरेंस डेवलप हो रहा है किसका, 100 का। अगर मैं ये बोल दूं कि आपको मेरे से, मेरे कंपैरिजन में आपके पास में 200 कम है, तो क्या हो गया, ये डिफरेंस जो डेवलप हुआ कितने का हो गया, 200 का। तो हम एक रेस्पेक्ट में बात करते हैं, मेरे रेस्पेक्ट में अगर बात करें, अगर मैं आपके रेस्पेक्ट में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी क्या कि आपके रेस्पेक्ट में अगर मैंने बात की तो मैंने बोला कि आपसे मेरे पास में 100 ज्यादा है, तभी भी डिफरेंस कितने आया 100 का। मैंने आपको बोला कि आपसे मेरे पास 200 ज्यादा है, वो कितने भी हो, तो डिफरेंस कितने का आया 200। तो ये जो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ये डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहां भी, कि वाटर मॉलिक्यूल है दोनों ही साइड में है, पर हम क्या बोल रहे हैं, हम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनके बीच में मॉलिक्यूल्स की कंसेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या है, बाहर सिस्टम में ज्यादा है और यहां कम है, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये बहुत ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि यहां कंसेंट्रेशन जब बाहर होगी ज्यादा, बी सेल में ज्यादा है, तो ये मूवमेंट जो है वाटर का किधर हो जाएगा, बी टू ए। अब इधर ये जो है बार 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 आने लगा, तो अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बी के कंपैरेटिवली ए के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ग्रेडियंट तो स्टिल डेवलप है, लेकिन कंसेंट्रेशन ज्यादा किधर है, ए के पास ज्यादा है, तो अभी मूवमेंट किधर हो जाएगा, ए से बी की तरफ वापस मूवमेंट हो जाएगा, यहाँ कम है। समझ लिए कि दो ही सेल है उनके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन बिल्कुल, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, परमिएबिलिटी तो बिल्कुल करती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो होता है उसको सेल जो है वो अंदर नहीं आने देती, सेल जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो वो चूज करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, ठीक है। तो परमिएबिलिटी जो है वो इफेक्ट डालती है, कुछ के लिए इम्परमिएबल भी होती है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सकता है। टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर जो है वो भी इफेक्ट डालता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो नॉर्मली ये होता है कि जिस भी सिस्टम में, जिस साइड में, अगर आउटर और इनर की बात कर रहे हैं सेल के, तो अगर आउटर एनवायरनमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू इनर साइड ऑफ द सेल, तो उस कंपेरिजन में क्या होगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, यानी कि वाटर का जो मूवमेंट है वो किधर हो जाएगा, आउटर टू इनर साइड, सेल के अंदर की तरफ वो मूव करने लगेंगे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी डलता है किस पर, ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी कि डिफ्यूजन रेट पे, कि वो डिफ्यूजन किधर हो रहा है। प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर जो है उसका भी इफेक्ट जो है वो डिफ्यूजन रेट पे होता है, प्रेशर जिस साइड से ज्यादा लगेगा उसके अगेंस्ट जो है मूवमेंट हो रहा होगा, दूसरे साइड में जिधर प्रेशर कम होगा उस साइड में मूवमेंट होगा, तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर की, हम बोले हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, छोटे सब्सटेंस होंगे तो वो डिफ्यूजन उनका ज्यादा, हम बोलते हैं कि तेजी से होगा, अगर लार्जर मॉलिक्यूल है साइज में तो उनका डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो ये तो चीज आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पतला रहता है तो भाग लेता है ना लंबी दूरी तक, और कोई मोटा होगा तो वो भाग नहीं पाएगा ना, तो वही स्मॉल छोटा सा पतला सा है तो भाग लिया है वो, तो वैसे भी आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो स्मॉलर सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूजन जल्दी जल्दी करेंगे, तेजी से करेंगे, जबकि लार्जर सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूजन जो है उनके अंदर क्या होगा, स्लो होगा। चलिए कंपैरिजन करें अगर डिफरेंस डिफरेंट ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इनके अंदर, तो देखिए ये जो टेबल है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिएट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके अंदर कंपैरिजन है। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, किस किस में रिक्वायर होती है, देखिए सिंपल डिफ्यूजन में रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप से मूवमेंट होता है, फैसिलिएट के अंदर भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दोनों के अंदर ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। हाईली सेलेक्टिव, देखिए सिंपल डिफ्यूजन जो है वो केवल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, यहां पर कोई भी रोल नहीं है, हमें बोल रहे हैं कि परमिएबिलिटी उसको सेलेक्टिव जो चीज है उस शब्द से रिलेशन नहीं है, क्योंकि गैसेस का यहाँ पे हो रहा है, बट सेलेक्टिवली बिल्कुल हाईली सेलेक्टिव होती है, प्रोटीन जो है वो सेलेक्ट करती है कि उसको किसको फैसिलिटी देनी है। सेम कंडीशन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में है, क्योंकि प्रोटीन हमेशा सेलेक्ट करती है कि किसको अंदर लेना है और किसको बाहर भेजना है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, बिल्कुल, तो प्रोटीन होगी तो अगर मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा तो प्रोटीन जो है वो सब पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी, दो ही कंडीशन है इन दोनों के अंदर वो सेचुरेशन होगा।
सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होगा। अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, तो भाई अपहिल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम ये बोल रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस में ही होता है, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस के अंदर अपहिल जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एटीपी की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है किसके अंदर, एक्टिव के अंदर, जबकि फैसिलिटेट हो या फिर सिंपल डिफ्यूजन हो, दोनों ही केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये उसके अगेंस्ट होता है, इस वजह से यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, अगर आप उसको क्लियरली अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, देखिए प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट का वाटर के साथ में क्या रिलेशन है आप देखिए, अगर किसी प्लांट के अंदर देखिए, वाटरमेलन वगैरह में देखिए, तो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है 92% अगर आप देखेंगे तो वाटर ही होता है। वाटर हम ये बोल रहे हैं प्लांट्स के लिए मेन सोर्स होता है, जिसके थ्रू हम ये बोलते हैं कि मिनरल्स हैं वो जो है उनका वो प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स को, इसी के साथ में जितने भी हम ये बोलते हैं कि उसमें डिजोल्व कंडीशन के अंदर सोल्यूट जो जितने भी तरह के हैं वो सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो भी अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को। तो वाटर जो है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको मालूम है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से ही जो एनर्जी है फोटो एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो वाटर तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि मेन मॉलिक्यूल है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वाटर जो है उसका मेन रोल होने की वजह से हमें वाटर के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो रूट से हम ये बोल रहे हैं कि अपर डायरेक्शन के तरफ मूव करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसी वजह से हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है फंक्शन करेगा, कौन, वाटर। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वो फंक्शन कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ फिनोमिनाज ऐसे लग रहे होंगे जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है एक सेल के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में ये हमें जानना है, ये क्यूरियोसिटी भी है हमारे दिमाग में कि ग्रेडियंट ये जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट ये कैसे ऊपर की तरफ जो प्लांट्स हैं उनमें मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, देखिए वाटर पोटेंशियल जो है इसको हम साई डब्ल्यू जो है इससे हम इसको बताते हैं, तो जैसे ये साइन हो से समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर पोटेंशियल की। अभी देखिए वाटर पोटेंशियल होता क्या है, वाटर पोटेंशियल वाटर में प्रेजेंट मतलब होता है ना कि हमारी खुद की कितनी पोटेंशियल है, हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है ना, तो उसके लिए तो उसी चीज को आप समझिए कि वाटर जो है उसके अंदर भी उसकी खुद की फ्री जो उसकी एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। तो यही वाटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोल रहे हैं। लेकिन किस केस में बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस चीज को हम प्रेशर के केस में बताते हैं, क्योंकि जिधर हम ये बोल रहे हैं कि एनर्जी ज्यादा होगी, मान लीजिए तो जहां एनर्जी ज्यादा होती है वहीं पे क्या होता है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, किधर, जिधर लो एनर्जी होती है उस डायरेक्शन के अंदर, राइट। जैसे मेरे में क्या है, बहुत ज्यादा मान लीजिए कि एनर्जी है, तो मेरे में वो पोटेंशियल है जिसकी वजह से मैं मूव कर सकूं आगे की तरफ, राइट, मैं आगे की तरफ मूव कर पाई। तो मैंने किधर मूव किया, मेरा एक सिस्टम आप मान लीजिए जो हाई एनर्जी सिस्टम है, और हमने मान लिया कि मैंने एक दीवार लगाई है छोटी सी, और उस साइड में अगर देखेंगे वहां पे एनर्जी कोई भी, मुझे उस साइड से कोई प्रेशर भी नहीं लग रहा है या कोई धक्का भी नहीं मर रहा है, मान लीजिए एक सिस्टम बड़ा फ्री सा एक दीवार लगी है, मैं इस साइड में हूं, उस साइड में कोई भी नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है, उस साइड से तो मुझे कोई एनर्जी कोई फोर्स कोई प्रेशर लग नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, एक लो मेरा हाई एनर्जी वाला जो सिस्टम है जो मैंने क्रिएट किया है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसने क्रिएट किया है, वो अपने वो कर रहा है लो जो पोटेंशियल जो है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लो एनर्जी वाला जो सिस्टम है उस साइड में वो मूव कर रहा है ना। तो ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वाटर के मूवमेंट का। तो वाटर पोटेंशियल को प्रेशर के फॉर्म में हम बताते हैं, और इसी वजह से इसको पास्कल जो है उसके अंदर हम इसकी यूनिट उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर की पोटेंशियल एनर्जी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी इसी पे बेस हुआ, वो अपनी हाई एनर्जी से
लो एनर्जी की तरफ मूव किया। अगर मैं एक सिस्टम बना देती हूँ कि मान लीजिए एक सिस्टम है, वही दो सेल्स हैं ए एंड बी। यहाँ पे आपको इस सिस्टम इसलिए लेके चलना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है वो अगर हम बात करें सॉइल के अंदर वहां पे भी प्रेजेंट है और रूट के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है। ऐसा तो हम कह ही नहीं रहे कि जो वाटर है वो कहीं पूरी तरीके से एब्सेंट है। अगर वाटर जो है वो अगर सॉइल से रूट के अंदर आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है रूट की सेल्स जो है उनमें वाटर बिल्कुल ही नहीं है, तो वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, ऐसा नहीं है। पानी वहां पर भी है ना, पर जीरो नहीं है वहां पे भी कुछ क्वांटिटी है। मूवमेंट वही हो रहा है हाई टू लो, लेकिन क्वांटिटी कुछ है, तभी हाई एंड हमने लो कंसेंट्रेशन भी दूसरी साइड के लिए यूज किया। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान रखिए। फिर हम कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल जो अपनी हाई एनर्जी सिस्टम से लो एनर्जी सिस्टम की तरफ मूव करता है। यही मान लीजिए इधर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे वहां पे वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और जिधर वाटर मॉलिक्यूल कम है वहां पे वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो ये अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर होता है? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, जो है उसका मूवमेंट होता है। याद रहेगी ये बात। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वाटर पोटेंशियल, अगर प्योर वाटर की अगर हम बात करते हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, देखिए उसके अंदर मान लीजिए वाटर के अंदर कोई भी प्योर वाटर के अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं होता, कुछ भी उसके अंदर, हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर नहीं लग रहा है, किसी भी तरह का प्रेशर भी उस पर क्रिएट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर उसकी खुद की हम ये बोले जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, जीरो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग जो इसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये होता है साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेशर के लिए, प्रेशर पोटेंशियल है, ये है सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अगर वाटर के अंदर कोई सोल्यूट मिक्स होगा तो उसमें उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम हो गई है ना, क्वांटिटी कम हुई तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो गया। यानी सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को कम करेगा, इसलिए उसको सोल्यूट पोटेंशियल को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी उसको क्या कर पाएगा, वो कम कर पाएगा। तो यहां पे हम बोल रहे सोल्यूट मिक्स ही नहीं है ना, सोल्यूट तो उसमें है ही नहीं प्योर वाटर में, तो ये क्या हो गया जीरो, और प्रेशर भी हमने मान लिया है जीरो, तो इस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल क्या आ जाएगा फॉर द प्योर वाटर, ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमेशा प्योर वाटर जो होता है उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। ठीक है, और अगर उसमें सोल्यूट मिक्स करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट अगर होंगे तो अभी उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, कंसेंट्रेशन कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा, राइट। तो इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सोल्यूशन अगर होगा तो हमेशा उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसा होगा, जीरो से कम ही होगा, जीरो से ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, वो कम ही होगा, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्योर वाटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो वो क्या होता है, जीरो होता है। रीजन भी आपको समझ में आएगा क्यों जीरो होता है, क्योंकि केवल उसका खुद का ही पोटेंशियल है। नॉर्मली हम किसी भी चीज को समझाते हैं तब भी हम ये बात तो बोलते ही हैं कि चलिए इसको जीरो मान लेते हैं और फिर उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो वैसे भी आप अपने माइंड में याद रखना चाहे तो बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर उसी प्योर वाटर में हम सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी, मॉलिक्यूल्स की उनकी कम होगी, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो भी कम होगा। यानी सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। किसके ऊपर, पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम जो है, यानी कि ये मान लीजिए सेल है ए जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और अब उसमें हम बोल रहे हैं कि सोल्यूट भी हमने डिजोल्व कर दिया, ठीक है ना, ये सोल्यूट भी हमने डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो हम एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा इमेजिनरी सिस्टम है जिसे हमें समझना, इसमें हमने मिक्स कर दिया है कि इसको सोल्यूट को, तो अभी क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड हो गए बाय द सोल्यूट। तो यहां पे सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, तभी तो उसने वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया। तो ओवरऑल सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, हमेशा नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। और जब हम किसी एक सोल्यूशन की बात करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, तो वाटर पोटेंशियल हमेशा सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अगर किसमें बात कर रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सोल्यूट के पोटेंशियल पे, है ना। तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है उसके, जितने सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही नेगेटिव के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल होगा, और हम ये बोल रहे हैं जितना नेगेटिव में सोल्यूट पोटेंशियल होगा उतना ही जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो किसमें आ जाएगा, आपका उतना का उतना वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, तो वो सोल्यूशन के लिए केस के अंदर अगर हम बात करेंगे
तो वो क्या होता है, बराबर होता है। उस केस में हम उसको क्या मान लेते हैं, प्रेशर को जो हम बोल रहे हैं जीरो ही मान रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल जो है ये दो मेजर फंडे हैं जिसे वाटर पोटेंशियल को जो है नापा जाता है, और रिलेशनशिप के लिए ये फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन के लिए जब निकल के आता है तो वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल, कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, व्हेन सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस, दिस इज टर्म एज सोल्यूट पोटेंशियल। यानी कि वाटर पोटेंशियल जितना कम होता है वही क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल है। जितना कम होगा, मान लीजिए कितना था पहले, प्योर वाटर का जीरो था, अभी कितना हो गया -10, तो -10 जो है वो क्या है, वो सोल्यूट पोटेंशियल है। जितना कम होगा वही क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल होता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किसे कह रहे हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर और ए सोल्यूशन इंक्रीजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वैल्यू मोर देन एटमोस्फेयर, तो इट इज टर्म्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। तो देखिए, अगर वाटर पोटेंशियल जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि किसको बोल रहे हैं, एक तो वाटर का खुद का जो पोटेंशियल एनर्जी उसको बोल रहे हैं, उस रेस्पेक्ट में बात करें, और प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करें, तो जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी उसका प्रेशर भी उतना ही होगा, और उसका प्रेशर ज्यादा होगा है ना, और एटमोस्फेयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो देन वाटर जो हम ये बोल रहे हैं कि वो जो मूवमेंट है वाटर का वो किधर हो जाएगा, उसके हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ हो जाएगा, बिल्कुल मूवमेंट। यानी कि वाटर पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल जो है वो नॉर्मली क्या है, यहां पर अगर इस केस में हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर के केस में, तब हम क्या मान रहे हैं, उसको जीरो ही मान रहे हैं, तभी तो वाटर पोटेंशियल भी क्या आ रहा है आपका, जीरो ही आ रहा है प्योर वाटर के लिए। चलिए, ये नेगेटिव होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, जबकि वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा ज्यादा, क्योंकि प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा ना। सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर बड़ी है, वाटर जो है वो कम है, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है, प्रेशर जो होगा वो कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तभी मूवमेंट जो है वाटर का हो पाएगा किधर, आपके हम ही बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। तो वो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो कैसा होता है, वो हम ही बोल रहे हैं कि हाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस किसको कहते हैं, देखिए ओस्मोसिस जो है वो एक तरह का डिफ्यूजन है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, बट किसके थ्रू होता है, ये होता है थ्रू वही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये होता है, ये हम बोल रहे हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, हायर केमिकल पोटेंशियल रीजन टू लोअर केमिकल पोटेंशियल रीजन की तरफ मूवमेंट होता है। हायर टू लो का मतलब क्या हो गया, देखिए ये ए एंड बी सेल है, यहां देखिए सोल्यूट पार्टिकल्स कम है, यहाँ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। ठीक है, इस साइड में सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, तो मूवमेंट किधर हो रहा है, जिधर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर क्या है आपका, हम ये बोल रहे हैं कि वाटर का वाटर जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में, इधर कम है, तो मूवमेंट जो है ऑस्मोसिस किसको बोल रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट हायर टू लो कंसेंट्रेशन हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि केमिकल पोटेंशियल जिधर क्या है, मूवमेंट जो होगा वो हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ होगा, मूवमेंट किधर होगा, वाटर का ए टू बी डायरेक्शन के अंदर होगा, बट किसके थ्रू होगा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, उसको हम ओस्मोसिस बोलेंगे। यानी वही डिफ्यूजन की डेफिनेशन, बट उसमें एक वर्ड आएगा कि ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओस्मोसिस बोल देंगे। ठीक है, तो ये हुआ ओस्मोसिस। अभी देखिए, ओस्मोसिस के साथ में एक चीज आप समझ सकते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अभी देखिए, अगर मैं पहले ओस्मोसिस समझे तो किसको बोलेंगे कि एक पानी का बीकर लीजिए, उसके अंदर आपने एक आपने आलू जो है छील के उसको पटेटो को रखा, उसके अंदर एक कैविटी बनाई जिसमें आपने शुगर सॉल्यूशन रख दिया, बाहर उस बीकर के अंदर आपने पानी रखा। ठीक है, तो देखिए ये सेम कंडीशन है, आपने पानी रखा और यहाँ पे वो आलू है जिसके अंदर शुगर, हमें बोले चीनी का घोल है ना, शर्करा का शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर है, यहाँ पे वाटर जो है वो ज्यादा है तो वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस कैविटी के अंदर आ जाएगा, किसके थ्रू गया, सेलेक्टिवली परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू गया, तो इसको हमने क्या बोला, ओस्मोसिस बोला। तो ओस्मोसिस तो समझ में आ गया, वाटर की कंसेंट्रेशन जिधर ज्यादा है वहां से वो कम अपनी कम कंसेंट्रेशन की तरफ उसने मूव किया। चलिए यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए, इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इसको इस फनल एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया है, एक उल्टी करके फनल को लगाया है जिसके ऊपर हमने एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसको हमने इसमें लगा दिया।
इसके अंदर हमने सुक्रोज का सॉल्यूशन भरा है इस फनल के अंदर, जिसको हमने बीकर के अंदर उल्टी करके लगाया है, उसमें सुक्रोज का सॉल्यूशन है और बीकर के अंदर हमने क्या रखा है, पानी रखा है। अभी मूवमेंट जो है वो किधर होगा, वाटर का अपनी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो जाएगा। फनल जो है उसके अंदर पानी जो है उसका ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। बट अगर अब हमारी इच्छा है कि उसके अंदर मूवमेंट जो है वो ना हो, है ना, अंदर की तरफ मूवमेंट ना हो, तो ये तो क्या हो गया, ओस्मोसिस हो गया। बट अब हम चाह रहे हैं कि ओस्मोसिस ना हो, वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उस फनल में ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए ये प्रेशर जो है ऊपर से हमने क्रिएट किया, जिसकी वजह से पानी अब और अंदर की तरफ नहीं घुस पाएगा। तो इस प्रेशर को, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट जो होता है वो रुक जाता है। तो जिधर प्रेशर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में, जिस सिस्टम की तरफ से लग रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वो किधर, अभी अंदर की तरफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस तो हमने किसको बोला है, ऑस्मोसिस तो हमने बोला है प्रोसेस जिसमें वाटर अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव किया थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने किसको बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं हो पा रहा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उस डायरेक्शन के अंदर जो है वाटर का मूवमेंट जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिधर ज्यादा है तो उस डायरेक्शन के अंदर पानी का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर कैन बी अप्लाइड, वही लगाया और उसकी वजह से मूवमेंट को हमने रोक दिया। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, वही जो वाटर का फ्लो जो है उसको रोक रहा है, ठीक है, वह उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन इज अपोजिट, यानी कि जिस पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो हम उस पोटेंशियल को बोल रहे हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, बट वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा था, बट इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो अंदर की तरफ हो रहा है ना, उसका मूवमेंट हो रहा है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, किस तरह का प्रेशर है, वो पॉजिटिव प्रेशर है जिसकी वजह से वाटर जो है अब उसके पास में अंदर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो किस तरह का पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ होता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम ही, हम बोलते हैं कि इक्वल ही होता है, सेम ही होता है, बट दोनों पे चार्ज अलग अलग है। प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ नहीं हो पाता, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट जो है उससे हम ये बोलते हैं कि दूर होता है, ठीक है ना, यानी उसकी डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए, टोनिसिटी यानी का इसका मतलब ये हो गया, वही ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम वही बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। हम ये बोल रहे हैं कि वाटर जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड करती है कि सॉल्यूशन जो है वो कितना, हम ये बोल रहे हैं कि हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो वही टोनिसिटी इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के बीच में यही जो ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, तो उस ग्रेडियंट उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, टोनिसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। वही ये जो टोनिसिटी है ये भी हम मेजर कर रहे हैं किसके थ्रू, किसके रेस्पेक्ट में, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि दो, अगर हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में बात करें तो सेल का इनर एनवायरमेंट और आउटर एनवायरमेंट, तो उसके अंदर बीच में दीवार के तौर पे कौन आ गई, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, तो उसी को हम उन्हीं दोनों सॉल्यूशन जो है, आउटर एनवायरमेंट का सॉल्यूशन और इनर एनवायरमेंट का सॉल्यूशन, उसी का कंपैरिजन जो है बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम टोनिसिटी बोलेंगे। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, रेस्पेक्ट में वैसे ही बात करेंगे, ये सेल है और ये हम ये बोल रहे हैं कि इस बीकर के अंदर हम बोल रहे हैं वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर जो है अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, है ना, जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, तो सोल्यूट जिसके अंदर ज्यादा होंगे और वाटर जो है वो जिसके अंदर क्या होगा, कम होगा, वाटर कम होगा, ठीक है। तो वाटर कम है, सोल्यूट ज्यादा है, जबकि अंदर जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, वाटर जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे अंदर की तरफ सेल के इनर एनवायरमेंट के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो वाटर अंदर तो ज्यादा है और बाहर कम है, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट जो है वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो जाएगा, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ हो जाएगा, तो इसकी वजह से सेल जो है वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपना पूरा अंदर का पानी जो है वो अपने अंदर से बाहर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है
अंदर से बाहर, इसकी वजह से सेल जो होती है वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे, हाइपोटोनिक का मतलब हो गया वाटर कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ तो ज्यादा है और सेल के कंपैरिजन के अंदर अगर हम बात करें तो सेल में वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम होती है, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और सेल जिसके अंदर हम बोले उसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कंपैरिजन तो लेना पड़ेगा। अब ज्यादा तो कितना ज्यादा, तो किसी के कंपैरिजन में बात करेंगे तो सेल जो उसके अंदर डूबी है उसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर कंसेंट्रेशन कम है। तो इस वजह से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और फूलने की वजह से हम ये बोलते हैं कि भ्रष्ट भी हो सकती है, फट सकती है। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा। आइसोटोनिक हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि दोनों ही तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल ही होता है, जिसकी वजह से ना तो वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ होता है, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में नहीं होता, ऐसे हम ये बोल रहे हैं। और ऐसा सोल्यूशन जो है उसका मतलब ये हो गया कि वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो अंदर वो बाहर, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल हो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर के साथ में, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसकी वजह से वाटर का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन के अंदर ना होगा, ना तो आउट टू इनर होगा, ना इन टू आउट, इनर टू आउटसाइड में होगा। ठीक है, तो ना तो सेल जो है वो फूलती है और ना ही श्रिंक होती है इस कंडीशन के अंदर। चलिए, तो तीन तरह की ही कंडीशन हो गई। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है आपका। प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जो वो हम ये बोल रहे हैं कि जब सेल श्रिंक हो रही है, तो सेल जब श्रिंक होती है तो इनिशियल स्टेज के अंदर देखें तो सबसे पहले इसमें दो हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है काम कर रही होती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो काम करती है, उसके साथ में जो वैक्यूल होती है उसकी टोनोप्लास्ट भी काम करती है, क्योंकि वाटर वगैरह जो है वो एक्चुअल में वहीं स्टोर होते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्गिड लगती है। क्योंकि जब पानी अंदर की तरफ रहेगा तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है किसकी तरफ, सेल की मेम्ब्रेन की तरफ, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो फुली भी रहती है। ठीक है, अब पानी अगर हमने बोला कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल को रखा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इसकी वैक्यूल में प्रेजेंट वाटर है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो जो जो अंदर प्रेजेंट हम ये बोले जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो प्लाज्मो जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो गया, सिकुड़ गया। उसकी वजह से जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या हुआ, टर्गर प्रेशर वो कम हुआ। तो टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से सेल वॉल जो है वो भी क्या हो गई, थोड़ी सी श्रिंक हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट ना तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ना अंदर होगा ना बाहर होगा, तो सेल जो है ना फूलेगी ना फटेगी। और टर्गिड अगर कोई सेल है, अगर पूरी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि जिसके अंदर हम बोल रहे हैं वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ ही हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है उसमें पानी अंदर आया है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो लगता है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, सेल जो है वो पूरी की पूरी क्या है, फुली भी नजर आ रही है। तो टर्गिड जो होता है वो सेल रहती है। कब, कौन सी कंडीशन में, जब सेल जो है वो किसमें होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रहेगी। तो ये तीन कंडीशन सेल की हो सकती है कि वो किस तरह के एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उस बेसिस पे। ठीक है, तो वही हमने वही सीक्वेंस बताई है, सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो वही है कि लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, जब प्लांट को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो सेल सैप जो है वो हम बोलते हैं कि सबसे पहले बाहर की तरफ आएगा, उसका एक्सोस्मोसिस होगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से सेल वॉल जो है वो भी क्या हो जाएगी, उसका भी हम बोलते हैं रिडक्शन होता है। तो ये जो रिडक्शन होता है स्लाइटली, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल या फिर लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस जो है वो हम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रही तो और पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। फिर हम ये बोल रहे हैं कि उसके कॉर्नर्स जो होते हैं वो भी सेल को छोड़ देंगे, और सेल वॉल जो है वो भी हम ये बोल रहे हैं कि और जो है वो श्रिंक हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, जब उसके कॉर्नर्स वगैरह सब कुछ जो है वो क्या कह रहे हैं, सेल को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा सेल वॉल से, और इसी को हम बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो तीन स्टेप में हमने डिवाइड किया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब उसको रखा, फिर थोड़ा और देर रखा तो फिर उसमें और वाटर लॉस हुआ, और कुछ ज्यादा देर रखा तो पूरी तरीके से सेल का जो है वाटर लॉस हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। पूरा ही साइटो जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, श्रिंक हो जाती है सेल, सेल वॉल को छोड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है,
डीप प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को रखते हैं तो पानी जो है वो अंदर की तरफ आता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्गिड हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो वापस से क्या हो जाता है, हम ये बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से फैल जाता है और सेल वॉल जो है उस पर भी क्या है अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, और उसके ऊपर भी एक प्रेशर लगाते हुए सेल जो है वो पूरी की पूरी फूल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये एक्टिविटी है कि कोई सेल है, पहले उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, फिर उसको हाइपोटोनिक में रखा, तो हाइपरटोनिक में रखा तो प्लाज्मोलाइसिस हुआ, हाइपोटोनिक में रखा तो डी प्लाज्मोलाइसिस हुआ। तो ये तो क्या है, फिनोमिना है जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं वाटर का जो है मूवमेंट जो है उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है, प्लाज्मोलाइसिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट डेड सेल एंड लिविंग सेल। बिल्कुल, डेड सेल होगी तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये मूवमेंट जो है वो शो ही नहीं होगा, लिविंग सेल के अंदर शो हो जाएगा। तो हम प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू की सेल का प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है नहीं हो रहा है उसे पता चल जाता है कि कोई सेल डेड है या फिर लिविंग है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन जैम्स एंड जेली स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। बिल्कुल, कंसेंट्रेशन जब शुगर की क्या होती है, ज्यादा होती है बाहर मीडियम के अंदर, अगर कोई मीडिया है जिसके ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं अगर बैक्टीरिया है ना, और अगर कोई फंगस ग्रोथ कर रहा है तो होगा क्या, बाहर आउटर एनवायरनमेंट में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जबकि जो बैक्टीरियाज या फंजाई है उनके अंदर जो है वो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा उनके अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है बैक्टीरियाज की एंड फंगस की। इसको एक और अच्छा समझने का है कि आप जब मुरब्बे वगैरह बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, तो आप देखेंगे चीनी जब उसमें मिली होती है तो उसकी वजह से उस पर फंगल ग्रोथ या फिर बैक्टीरियल जो है ग्रोथ नहीं हो पाती। रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है उन लिविंग सेल का, तो लिविंग सेल जो है वो प्लाज्मोलाइसिस शो करती है, ठीक है। फिर वही कॉमन सॉल्ट जो है किल वीट्स बाय प्लाज्मोलाइसिस, वही सॉल्टी एनवायरमेंट रहेगा बाहर की तरफ तो सेम कंडीशन होगी, सोल्यूट ज्यादा है तो मूवमेंट क्या होगा, जो भी वीट्स है उसका पानी बाहर निकल जाएगा तो उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल कैन बी नोन बाय द प्लाज्मोलाइसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किस के थ्रू, प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मूवमेंट नहीं होने दे रहा है किसका, हम बोलते हैं कि वॉटर का मूवमेंट नहीं होने देता, जिस डायरेक्शन में लगता है उस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन टू द सेल कॉज साइटोप्लाज्म टू बिल्ड पे प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि टर्गिड सेल होती है तो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो एक प्रेशर लगाता है वॉल की तरफ, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है फूली रहती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना, यही वो प्रेशर है, ठीक है। Because of the rigidity of cell wall, the cell does not rupture. ठीक है, cell wall जो होती है वो ruptured नहीं होती, क्योंकि cell wall जो होती है वो rigid होती है, ठीक है, यहां तक तो बात। पर pressure जो होता है protoplasm लगाता है ना, due to entry of water, पानी अंदर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक pressure create होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हम ये बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ पानी के मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। और टर्गिडिटी जो है वो आपको पता चली गई है कि टर्गिड जो है किसको बोलते हैं, टर्गर प्रेशर जो है ये हम ये बोल रहे हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है इसको फूल जो सेल जो फूली रहती है टर्गिड रहती है उसको मेंटेन करने के लिए टर्गर प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ही। टर्गर प्रेशर की वजह से ग्रोथ जो होती है सेल की या फिर एनलार्जमेंट जो होता है वो हम ये बोलते हैं कि शो होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। चलिए, मेन तो जो चीज है जिसमें हमें फंडेस क्लियर नहीं होते हैं वो फंडा ये है कि मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल का किधर से किधर होता है। तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट पहली कंडीशन हायर डीपी टू लो डीपी की तरफ होता है। हायर डीपी का मतलब हो गया जिधर डिफ्यूजन क्या होगा, जिधर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है उधर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा किधर होगा, जिधर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी जहां वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके डिफ्यूजन का यानी उसके मूवमेंट का जो है वो डिफ्यूजन होने का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, वो प्रेशर उधर ज्यादा होगा, जिधर मॉलिक्यूल कम है वहां पे वो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो मूवमेंट किधर हो जाएगा, हाई डीपी टू लो डीपी की तरफ, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें तो जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो मूवमेंट किधर है, अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जो है मूवमेंट जो है किसका रहता है, हम बोल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का रहता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने किसका बोला है, अब आप समझ गए होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है,
वाटर की कंसेंट्रेशन इधर ज्यादा है, ठीक है, तो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है, और इधर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, इधर क्या है, हम बोल रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कम है तो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जिधर सोल्यूट ज्यादा होता है उधर ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये है सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है जो क्या कर रहा है, वाटर का अंदर की तरफ मूवमेंट जो है उसको रोक रहा है, ठीक है, और इधर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि इधर हम बोल रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल जो है वो भी कम है, तो मूवमेंट किधर हुआ, अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जो है वो मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे फनल के अंदर भी ऐसा ही तो होता है ना, मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिधर सोल्यूट ज्यादा होता है उधर, बट उधर से ही एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं हाई ऑस्मोटिक, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो हाई है उस साइड में, तो उस डायरेक्शन के अंदर ही क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, तो डीपीडी क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डिफ्यूजन प्रेशर का तो मतलब ये हो गया कि जिधर से डिफ्यूजन, मतलब कि अपना आगे बढ़ने के लिए जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी कि अपनी जहां कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है वहां डीपी जो है ज्यादा है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर उसका ज्यादा है, तो वो अपने लोअर डीपी की तरफ मूवमेंट करेगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी किसको बोलेंगे, जहां पे डिफ्यूजन प्रेशर कम है, यानी कि डीपी किधर होता है, जिधर हाई डीपी है वहां पे डीपीडी क्या होगा, कम होगा। डीपीडी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यहां पर हम बोल रहे हैं डीपी जो है वो क्या है, कम है, डीपी कम है, तो इसको हमने क्या बोला है कि यहां पर क्या है, यहां पे डीपीडी है ना, तो डीपीडी है का मतलब क्या हुआ, यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी है। तो अब जैसे इस चीज को अगर आप समझेंगे तो कैसे समझेंगे, जैसे कि पैसा है हमारे पास में, बहुत सारा पैसा है, वो पैसा क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा पानी हो गया, ये समझ लीजिए। अब पैसा मेरे पास में ज्यादा होगा तो मैं उसको क्या करूंगी, ज्यादा खर्च करूंगी, ठीक है। अब मैंने पैसा ज्यादा खर्च किया तो उसकी वजह से क्या मेरे पास में जो डिफ्यूजन प्रेशर है, यानी कि जो डिफ्यूज होने की, उसके खर्च होने की क्या वो, या उसकी वजह से क्या मेरे अंदर, मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि मेरा डिफ्यूजन प्रेशर, मेरा तो क्या हो रहा है, मेरे जो पैसा वो मेरा तो बढ़ा हुआ है ना, ज्यादा है, तभी तो मैं उसको खर्च कर पा रही हूँ। लेकिन दूसरे अगर हम बात करेंगे, अगर इसकी अगेंस्ट उल्टी बात करें, तो उल्टी बात ये होगी कि मेरे पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में कंडीशन ही नहीं है कि मैं उसको खर्च करूं और मैं उसको आगे भेज पाऊं, है ना। तो ये जो चीज है इसी को हम बोल रहे हैं, यानी मेरे पास में प्रेशर ज्यादा लगा, यानी डीपी मेरा क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तभी मैंने पैसा खर्च किया। पैसा कम है तो मैंने क्या बोला, डीपी मेरा कम है, डीपी मेरा कम है तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगी। तो डीपी कम होने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास में डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी है, तो डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी मेरे पास में क्या हुई, ज्यादा हुई, क्योंकि मेरे पास पैसा कम है, है ना। तो वही चीज है, उसी को समझिए। अब पैसे की जगह पानी को समझिए कि जहां पर पानी जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन उसकी हाई है, तो जहां पानी की कंसंट्रेशन हाई होगी वहां डीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। डीपी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, वहां डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी नहीं है, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी वहां क्या है, लो है। जबकि अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करेंगे जिस साइड में मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वहां पे क्या होगी, वहां पे डीपीडी जो है वो क्या होगा, हाई होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो मूवमेंट वाटर का किधर होगा, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होगा। सेम वैसे अगर वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बात करें तो जिधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, उसके हम ये बोल रहे हैं कि वो मूवमेंट करेगा किधर, जिधर वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में आप ध्यान रखिए। इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो दोनों ही तरफ वैल्यू होगी, वाटर पोटेंशियल तो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है किसी भी सॉल्यूशन का, है ना। क्यों होता है, क्योंकि प्योर का तो जीरो है, अब सोल्यूट उसमें मिक्स होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूट खुद माइनस है, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो वो नेगेटिव में ही वैल्यू आएगी। तो आप देखिए, लेस नेगेटिव बोल रहे हैं हम यहाँ पे, हायर वाटर पोटेंशियल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव तो है बट थोड़ा कम नेगेटिव है। जबकि लोअर अगर हम बोल रहे हैं वहां पे, अगर हम बात करें किसकी, वाटर पोटेंशियल की, तो वहां पे क्या है, लोअर का मतलब ये हो गया कि नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, मोर नेगेटिव है उसकी वैल्यू। चलिए, टर्गर प्रेशर जो है उसके बारे में बात करें, तो ये टीपी ज्यादा किधर होता है, जिधर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो मूवमेंट किधर होगा, हाई टू लो, इसका मतलब जहां टर्गर प्रेशर ज्यादा है उससे जिस साइड में टर्गर प्रेशर कम होता है उसकी तरफ मूवमेंट होता है, तो हाई टीपी टू लो टीपी की तरफ मूवमेंट रहेगा। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सेल के अंदर अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है या वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पर क्या हाइपरटोनिक मीडियम है, यानी वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट किधर होगा, हाई टू लो, यानी कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, मूवमेंट जो है अगर हम बात करेंगे, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिस जिस सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है,
और जिस साइड में दो कंडीशन है कि जिस साइड में क्या है सोल्यूट ज्यादा है, कंडीशन है सोल्यूट जिधर ज्यादा होंगे हम ये बोलेंगे वहां पे हायर कंसेंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, और हम क्योंकि सोल्यूट मिलेगा तभी सोल्यूशन बनेगा ना, और जिस साइड में सोल्यूट जो है वो क्या है कम है, सोल्यूट ही कम है, तो वो हम बोल रहे सोल्यूट सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन देखेंगे तो क्या होगी कम होगी, वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि लो जो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से मूवमेंट किधर होगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूवमेंट होगा। तो ये वॉटर का मूवमेंट होता है कई अलग अलग रेस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो। चलिए इम्बिबिशन, इम्बिबिशन क्या है, इम्बिबिशन एक्चुअली में बारिश वगैरह जब होती है तब हम ये बोलते हैं लकड़ी के जो फट्टे वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है अट्रैक्शन पावर होता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके ऊपर चिपक जाते हैं, उसी को हम इम्बिबिशन बोल रहे हैं। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड्स कॉजिंग दैम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जैसे कई पहाड़ चट्टाने होती है ना उसमें लकड़ी का फट्टा फंसा देते हैं फिर पानी डालते हैं, इम्बिबिशन होता है जिसकी वजह से वो लकड़ी फूल जाती है, फूलने की वजह से क्या होता है चट्टान भी क्या होती है बड़ी बड़ी वो भी टूट जाती है, तो वो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है वो इम्बिबिशन प्रोसेस होता है। अब सीड्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं फूल जाते हैं कि नहीं, ड्राई वुड्स है वो भी फूल जाती है। द प्रेशर ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ वुड कैन बी स्प्लिट रॉक, बिल्कुल चट्टाने तोड़ देते हैं। सीडलिंग्स आर एमर्ज्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू द इम्बिबिशन ऑफ प्रेशर, बिल्कुल क्योंकि वो पानी को क्या कर रही है, सीड को आपने मिट्टी में डाला और वो सीड पानी को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से सीडलिंग जो है वो बाहर निकल के आ जाती है, तो वो भी किसकी वजह से हुआ, इम्बिबिशन की वजह से होता है। ठीक है, अब इम्बिबिशन को क्या चाहिए, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होगा तभी इम्बिबिशन होगा। अब पानी अगर आपने मान लीजिए कि पानी अपने किसी मग्गा है उससे ही अगर आप लकड़ी के फट्टे पे डाल रहे हैं तो लकड़ी तो सूखी है उसमें तो पानी हम बोल रहे वाटर है ही नहीं, मग्गे में तो बहुत सारा पानी है तो कंसंट्रेशन हाई थी और लकड़ी के फट्टे के अंदर कम, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ तो उसकी वजह से इम्बिबिशन प्रोसेस हुआ। तो इम्बिबिशन प्रोसेस को सिंपल शब्दों में समझिए तो इस वजह से होता है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बिबिड, जिस भी एनवायरमेंट के अंदर लकड़ी का फट्टा रखा है मान लीजिए कटोरे के अंदर मैंने रखा तो वहां पर भी जो है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वाटर पोटेंशियल किधर ज्यादा है, जिधर कटोरे में पानी ज्यादा है लकड़ी के फट्टे में वाटर पोटेंशियल कम है, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ उसकी वजह से वो हाई अपना जो वाटर पोटेंशियल है उधर से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या हो गया, वाटर का मूवमेंट हुआ जिसको हमने इम्बिबिशन बोला है। एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, अब ये वही है लकड़ी का फट्टा है वो पानी और उसके बीच में क्या होती है कुछ ना कुछ एफिनिटी है अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो वहां पे क्या हो पाए एब्जॉर्ब हो पाए, तो ये एफिनिटी का होना जरूरी है, तो ये कुछ हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से इम्बिबिशन होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद भी नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इन वाटर पोटेंशियल या फिर डीपीडी टीपी और इन सब की वजह से रूट में कैसे पानी जो है वो मूवमेंट करता है डाउन टू अपर डायरेक्शन के अंदर, फ्रॉम डाउन टू अपर डायरेक्शन, तो उसको हम जो है डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस है फटाफट से उनके स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि डिपेंड कर रहे हैं आपके जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे ही, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए और कल मिलते हैं नए हम बोलते हैं कि आगे के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।